হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम टू মাই চ্যানেল হেয়ার কেয়ার বাংলা ওয়ান্স अगेन আমি আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে আরেকটা ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওতে আপনাদের যে क्वेश्चनটা ছিল সেটা হচ্ছে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়ার উপর তো আমি ডাক্তার বাবুর কাছে চলে এসেছি এখন ক্লিনিকে দেখতেই পাচ্ছেন বসে আছি ওটি রুমে তো ডাক্তার বাবু আপনাদেরকে বোঝাবেন যে এটা কি হার্মফুল কিনা বা এর কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা তো ডাক্তার বাবু আপনাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে হবে আমাদের যে ভিউয়ার সাবস্ক্রাইবার আছে তাদের आज मैं आपको एनेस्थीसिया के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे बनता है एनेस्थीसिया क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है इसके साइड इफेक्ट कुछ है या नहीं है इसका ड्यूरेशन क्या होता है कब तक एनेस्थीसिया वर्क करता है क्योंकि कई पेशेंट जो होते हैं पूछते हैं किस तरह के साइड इफेक्ट तो नहीं है अगर आप एनेस्थीसिया देंगे तो साइड इफेक्ट होगा क्या कितना ड्यूरेशन रहता है सर्जरी के टाइम पेशेंट पूछते हैं हमें दर्द होगा या नहीं होगा कितने समय तक रहेगा राइट तो आज मैं इस वीडियो में आपको एनेस्थीसिया के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा राइट तो एनेस्थीसिया पहले हम जानेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है एनेस्थीसिया क्या करता है इंड्यूसेस रिड्यूसेस द सेंसेशन जो हमारी बॉडी में जो सेंसेशन होते हैं जो हमें दर्द जो फीलिंग आता है उसे ही रिड्यूस करता है ना तो एनेस्थीसिया काम है सेंसेशन को रिड्यूस करना राइट जो हमारा जो हमें जो पेन होता है उसे रिड्यूस करना लोकल एनेस्थीसिया मतलब क्या है जो हम पर्टिकुलर एरिया में जिसे दे रहे हैं उस एरिया को बोला जाता है उस एरिया में जो हम दे रहे थे उसे बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया उस पर्टिकुलर एरिया में अगर दिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया में डिफरेंस एनेस्थीसिया मतलब इंड्यूसेस रिड्यूसेस द सेंसेशन अच्छा लोकल में वी आर गिविंग लोकली जस्ट लोकल या Okay. Different means we can say we can talk about the general and local. Right. General anesthesia means your body will be numb. Right. Here we are not giving a general, just we are giving a local. Like a particular area from where we are taking. That's the why we are calling local anesthesia. Right. Okay. So we are giving only the particular area from where we are taking the hair. Mm. Right. That is called the donor area. जो हम एनेस्थीसिया जो पेशेंट को देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में उसमें हम हमारा होता है लिग्नोकाइन 2% लॉक जिसे कहा जाता है और बीपी वेकिन होता है उसमें एडलिन मिक्स किया जाता है सलाइन मिक्स किया जाता है ये सब मिक्सचर करके ही हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं ठीक है और कई बार पेशेंट पूछते हैं कि क्या ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि लोकल एनेस्थीसिया का तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक लिमिट में एनेस्थीसिया दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं राइट कोई भी चीज लिमिट में ही सही रहती है राइट तो हमें प्रॉपर तरीके से एनेस्थीसिया बनाना है जैसे हम लोग 60 ml सलाइन लेते हैं उसमें 15 ml लिग्नोकाइन लेते हैं 10 ml बीपीवेकिन लेते हैं 1 ml एडलिन लेते हैं राइट तो ये है प्रॉपर एनेस्थीसिया जो हम बनाते हैं राइट तो लिग्नोकाइन क्या करता है ये इमीडिएटली एक्शन करता है राइट और लॉन्ग ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेता और जो बीपीवेकिन होता है वो लंबे समय तक ड्यूरेशन रहता है उसका 5 to 6 hours लिग्नोकाइन जो होता है 1 to 2 hours का रहता है राइट तो और एडलिन क्या करता है वो ब्लीडिंग जो होती है उसे थोड़ा रिड्यूस करता है जो जब हम हाँ थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करता है ब्लीडिंग को ठीक है और समटाइम इट विल इंक्रीज द हार्ट बीट आल्सो समटाइम जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट्स की हार्ट बीट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बट एक लिमिट होता है आप 1 ml से ज्यादा हमें एडलिन नहीं लेना है तो जो एनेस्थीसिया होगा वो प्रॉपरली बनाना है इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये हो गया आपका एनेस्थीसिया को कई बार पेशेंट को डाउट भी रहता है कई बार कि हमें क्या किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होगी साइड इफेक्ट होगी क्या तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स पेशेंट विल गेट अ स्वेलिंग राइट when we implant the hair ना तो फ्रंट विल गिव एनेस्थीसिया जब हम सामने एनेस्थीसिया देते हैं तो क्या होता है समटाइम्स पेशेंट को स्वेलिंग आता है 2 days बाद तो वो क्यों आता है क्योंकि जो जो हमारा सॉल्यूशन होता है जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे स्प्रेड करता है धीरे धीरे नीचे आता है तो उसकी वजह से पेशेंट को स्वेलिंग होता है ठीक है तो उस टाइम पे हम कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं उस टाइम पे मैं पेशेंट को बोल देता हूँ कि आप लोग उस टाइम पे थोड़ा वाटर ज्यादा पीजिए ड्रिंक करिए वाटर ज्यादा तो उससे क्या होगा धीरे धीरे मतलब लिक्विड के थ्रू निकल जाएगा निकल जाएगा ठीक है तो उससे स्वेलिंग धीरे धीरे कम होगी तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है आपको घबराना नहीं है अगर स्वेलिंग होता है तो वो लिक्विड है एनेस्थीसिया का जो धीरे धीरे आपकी स्प्रेड होता है ठीक है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना और पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें कितना कितना एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है कितना लिमिट में दे सकते हैं क्या लिमिट राइट तो क्या होता है डिपेंड करता है कि हम कितना ग्राफ्ट निकाल रहे हैं कितना एरिया में हम कर रहे हैं ठीक है तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम अगर 2000 ग्राफ्ट निकाल रहे हैं तो जनरली हम हाफ ऑफ द एरिया डोनर एरिया का यूज करेंगे तो हम जनरली 30 ml
कितने एरिया से हम ग्राफ्ट निकाल रहे, कितना बड़ा एरिया उस पर डिपेंड करता है, तो जनरली 30-35 ml की एनेस्थीसिया अगर हम यूज करें तो बेटर है। जनरली हम लोग तो सेफर साइड के लिए नहीं यूज करते, 2000-2500 ग्राफ्ट निकालना है सिंगल डे में, तो हम 35 ml तक जितना डिपेंड फ्रॉम द एरिया उतना यूज करते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट नहीं, जनरली एनेस्थीसिया का हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पेशेंट को मैं यही बताना चाहता हूँ। और ड्यूरेशन जो होता है उसका आपको मैंने पहले ही बताया था, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है एक हमारा इंजेक्शन, सेकंड का होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जनरली पूरी प्रोसेस जो है 5-6 hours चलती है, डिपेंड ऑन द ग्राफ्ट, है ना। तो अगर 2 दिन सर्जरी चले राइट, तो एनेस्थीसिया भी ज्यादा जनरली जो मैं आपको 30-35 ml जनरली हम यूज करते हैं अगर हमें सिंगल डे 2000-2500 ग्राफ्ट करना है तो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमें प्रॉब्लम होता है, बट जनरली हम हमारे जो सॉल्यूशन में जो बनाते हैं वो प्रॉपर रहता है, राइट, लिमिट में रहता है। तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, फ्यूचर में भी आपको एनेस्थीसिया से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोकली रहता है, वो 5-6 hours के बाद आपका जो नमनेस है वो चला जाता है, उसके बाद स्लाइट पेन होता है पेशेंट को, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को पेन किलर खिला देते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को जो पेन है वो भी थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता। नॉर्मल सर्जरी होती है, आप अगर सिंगल डे प्रोसीजर है तो आप आए और सुबह आते 10 बजे स्टार्ट करते सर्जरी, शाम तक आप जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू डे सर्जरी तो नेक्स्ट डे आप, और ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि इज दिस हार्मफुल फॉर आई और ब्रेन। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी चीज अगर एक्सीड होगी, अगर वो ज्यादा लिमिट से ज्यादा होगी तो आपको हार्मफुल करेगी, तो हमें देखना है कि हम जो एनेस्थीसिया बना रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर इंजेक्शन है डले है उसमें, कुछ ज्यादा तो लिमिट से हमने ज्यादा तो नहीं डाल दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें। और जो हम हेयर लाइन बनाते हैं उसे भी हमें प्रॉपर, मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा यू नो स्प्रेड ना हो, राइट। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखे और प्रॉपर तरीके से करें तो हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अच्छा, जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बट ये सारी चीजें अगर ट्रांसप्लांट के बाद किसी का फेस मतलब स्वेलिंग होता है, फूल फूल जाता है, स्वेलिंग तो आता है पेशेंट को फ्रंट में, है ना, लिक्विड जो है स्प्रेड हो जाता है नीचे के साइड में, तो उस टाइम पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बताया वो जनरली होता ही है क्योंकि स्प्रेड होता है सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे आपको पानी पीना है ज्यादा, है ना, ज्यादा झुक के काम नहीं करना है, आपको झुकना नहीं ज्यादा, अगर आप झुकेंगे तो और जो लिक्विड है वो नीचे आएगा, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट रहना है या नॉर्मल ऐसे स्लिप करना है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि वो एनेस्थीसिया पीछे के साइड में जाएगा, ये तो नीचे के साइड में नहीं आएगा, और जनरली 2 दिन के बाद, 2 दिन में आती है स्वेलिंग, 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, जस्ट सर्जरी का आपको एंटीबायोटिक वगैरह लेना है ताकि आपका जो डोनर एरिया और इम्प्लांटेड एरिया थोड़ा हील हो जाए, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, और बैंडेज वगैरह करना है डोनर एरिया में। তো আপনারা দেখলেন যে ডাক্তারবাবু আপনাদের প্রশ্নের সমস্ত উত্তর দিয়ে দিলেন। আশা করছি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং ঘন্টাটা বাজাতে অবশ্যই ভুলবেন না, যাতে করে এই ধরনের ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশনাল এবং এডুকেশনাল ভিডিও আপনি আপনার ইউটিউব হোম পেজে পেয়ে যান সবার আগে। সো দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল, স্টে সেফ, টেক কেয়ার, বাই ফর নাও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই দিস ভিডিও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন so that you will get all notification automatically. Thank you.